नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सरकार और किसानों के बीच में आठवें दौर की बैठक चल रही है। विज्ञान भवन में पहले राउंड की बैठक हालांकि खत्म हुई है, आठवें दौर की वार्ता अभी भी जारी है लेकिन पहला राउंड समाप्त हुआ है। मृतक किसानों के लिए 2 मिनट का मौन भी आज इस वार्ता में रखा गया है। सरकार से MSP पर कानून की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं लेकिन अब जानकारी यह है कि सरकार MSP पर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है, पहले दौर की वार्ता के बाद किसानों ने लंगर का खाना खाया है। तो सरकार और किसानों के बीच में आठवें दौर की वार्ता चल रही है लेकिन पहला राउंड समाप्त हुआ है, यानी कि अब लंच किसानों के द्वारा किया जा रहा है जो कि लंगर किसानों के द्वारा खाया जा रहा है। विज्ञान भवन में दूसरे दौर की बैठक भी अब शुरू हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी, यानी कि राउंड दूसरा भी अब शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विज्ञान भवन में अब दूसरे दौर की बैठक भी शुरुआत हो चुकी है, आठवें दौर की बैठक जारी है और आठवें दौर की इस बैठक में दूसरा राउंड उसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि पहला राउंड जब समाप्त हुआ उसके बाद किसानों ने लंगर खाया है लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से खाने का जो ऑफर दिया गया किसानों ने आज भी ठुकराया उसको और लंगर किसानों की तरफ से खाया गया। लेकिन आज जानकारी ये निकल रही है सूत्रों के हवाले से कि MSP को लेकर के कोई बड़ी घोषणा आज सरकार कर सकती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है कानून वापस लिए जाए उस पर बात अभी तक फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि आज आठवें दौर की इस वार्ता में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो पहले दौर की वार्ता के बाद किसानों ने लंगर खाया है, पहला राउंड आप इसको कह सकते हैं क्योंकि आठवें दौर की वार्ता चल रही है और आठवें दौर की इस वार्ता में पहले राउंड की जब समाप्ति हुई है उसके बाद किसानों की तरफ से खाना खाया गया और अब विज्ञान भवन में दूसरे राउंड की बैठक शुरू हो चुकी है और मृतक किसानों के लिए 2 मिनट का मौन भी आज इस बैठक के अंदर रखा गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 60 के करीब किसान ऐसे हैं जो कि इन पिछले 40 दिनों से चल रहे आंदोलन में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो बड़ी जानकारी है आज के दिन की, ये सबसे बड़ी खबर। विज्ञान भवन में दूसरे राउंड की बैठक भी अब शुरू हो चुकी है MSP को लेकर के, हालांकि कोई बड़ी घोषणा आज हो सकती है सूत्रों के हवाले से जानकारी है लेकिन निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आज यह आंदोलन समाप्त होगा, क्या आज यहां से वार्ता में कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्या आज इस वार्ता में कोई बात बनेगी, क्या किसानों की मांग को सरकार मानेगी या कोई रास्ता ऐसा निकलता है जिस पर किसान भी सहमति जता दें या किसान भी तैयार हो जाएं। ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आज इस आठवें राउंड की बैठक में सभी की निगाहें इसके ऊपर लगी हुई हैं और आज आठवें दौर की इस वार्ता में दूसरा राउंड उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। पहले राउंड की बैठक के बाद किसान बाहर आए, लंगर का खाना खाया और शुरुआत में ही मृतक किसानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया लेकिन वार्ता में अब आज होता क्या है इस पर पूरे देश की निगाहें हैं क्योंकि पिछले 40 दिन से किसान लगातार विरोध कृषि कानून को लेकर के कर रहे हैं। कृषि कानून, MSP समेत कई अन्य ऐसे मांग थी जिनको लेकर के लगातार ये विरोध चल रहा है। 4 सूत्रीय एजेंडा सरकार को भेजा गया था जिसमें 7वें दौर के अंदर 2 मांगें ऐसी थी जिसको सरकार ने मान लिया था और अब जानकारी ये भी है कि आज जो 2 बचे हुए महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर भी कोई सहमति बन सकती है या उस पर भी सरकार आज क्या रुख अपना अख्तियार करती है इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि MSP को लेकर के कोई बड़ी घोषणा आज की इस वार्ता के बाद सरकार की तरफ से की जा सकती है। लेकिन एक और जो सबसे अहम विषय इस पूरी बैठक का है वो कानून वापस लेने की मांग है जिसको किसान संगठन लगातार कर रहे हैं और अब देखना यह है कि इन दोनों ही बातों पर आज का रुख सरकार का क्या रहता है, आज इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है।